Good afternoon to all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you? I am fine, ma'am. Good. कल वाला चैप्टर आपने कर लिया था होमवर्क में कंप्लीट? Yes, ma'am. पूरा? Yes, ma'am. प्रश्न जो इसका प्रश्न था वो कहाँ लिखा? कॉपी में? Yes, ma'am. Okay. आज हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, पेज नंबर 58, पार्ट नंबर 17, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. एक वाक्य होता है, पूरा वाक्य ना लिखे हम, एक शब्द में ही उसे खत्म कर. तो इस तरह के शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं. अब इसकी परिभाषा दी गई है, कुछ शब्द समूह ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हम एक शब्द में पूर्ण कर देते हैं. कुछ शब्द समूह यानी वाक्य ऐसे होते हैं, शब्दों का जो समूह होता है, समूह मतलब इकट्ठा, बहुत सारे शब्द मिलकर शब्द समूह बना लेते हैं, उसे हम शब्द समूह कहते हैं. और उस शब्द समूह को हम एक शब्द में कंप्लीट कर देते हैं. तो वो शब्द दिए गए हैं, नीचे देख सकते हो, जैसे जल में रहने वाला, जो जल में यानी पानी में रहता है उसे कहते हैं जलचर, यानी जल में रहने वाला. हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा जल में रहने वाला, इसके लिए हमने एक शब्द चुना है. जल में रहने वाला ना लिख के हम लिखेंगे जलचर. फिर है नीचे कुछ दिए गए हैं इसी तरह के शब्द समूह जिसे हम एक वाक्य में लिखेंगे, एक शब्द में लिखेंगे. पहला है चित्र बनाने वाला, जो चित्र ड्राइंग करता है उसे कहते हैं चित्रकार, आर्टिस्ट. फिर है नेक्स्ट मंदिर में पूजा करने वाला, जो मंदिर में पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? पुजारी. पुजारी, हाँ, बोलना नहीं है आपको, ओनली सुनना है. भूमि सानवी, माइक म्यूट करो. जो पढ़ा लिखा हो यानी जो शिक्षित हो उसे कहते हैं साक्षर, साक्षर. जिसका कोई आकार ना हो यानी कोई भी आकार, कोई भी शेप ना हो, निराकार. जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर, जो पढ़ा लिखा हो वो साक्षर, जो पढ़ा लिखा ना हो वो निरक्षर. फिर है काम से जी चुराने वाला, कामचोर. जी चुराने वाला जो काम नहीं करता, अगर किसी बच्चे को जैसे हम काम कहते हैं या मम्मी कहती है कोई काम तो कहेगा हाँ करूंगा, हाँ करूंगा, अभी नहीं बाद में करूंगा, जो काम से जी चुराता है उसे कहते हैं कामचोर. फिर है जिसका अंत ना हो यानी जो चीज कभी खत्म ना हो उसे कहते हैं अनंत, यानी हमेशा चलने वाला, जिसका कोई अंत ना हो. साग सब्जियां खाने वाला, जो खाली सिर्फ साग सब्जियां ही खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी. हिंसा करने वाला, हिंसक. 7 दिनों का समूह, जैसे आपके वीक होता है इंग्लिश में वैसे सप्ताह होता है, तो 7 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे ऐसे होते हैं ना, वैसे ही हिंदी में रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार ये होते हैं. तो ऐसे 7 दिन का जो समूह होता है उसे सप्ताह कहते हैं. फिर है नंबर 11, जिसमें दया हो, जिसके अंदर दया का भाव होता है उसे कहते हैं दयालु. फिर नंबर 12, जिसमें दया ना हो, जिसमें कोई भी सॉफ्टनेस ना हो, दया ना हो, उसे निर्दयी. जिसमें दया हो वो दयालु, जिसमें दया ना हो निर्दयी. फिर है नंबर 13, नगर में रहने वाला नागरिक, जो नगर में रहता है, निवास करता है, उसे कहते हैं नागरिक. पूजा के योग्य, पूजनीय, जिसे हम पूज सकते हैं, जिसकी पूजा कर सकते हैं उसे कहते हैं पूजनीय. जो सत्य बोलता हो यानी सच बोलता हो, सत्यवादी. ईश्वर को मानने वाला, जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर की पूजा करता है, उसमें आस्था रखता है, उसे कहते हैं आस्तिक.
ईश्वर को न मानने वाला, जो ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, उसे कहते हैं नास्तिक। फिर है नंबर 18, मांस खाने वाला, जो मांस मच्छी ये खाते हैं उसे कहते हैं मांसाहारी। नंबर 19, जिसके माता पिता जीवित हो, जिसके माता पिता मम्मी पापा होते हैं उसे कहते हैं सनात, और जिसके माता पिता ना हो, जिसके मम्मी पापा नहीं जीवित हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उन्हें कहते हैं अनाथ। तो इस तरह से ये अनेक शब्दों के एक शब्द दिए गए हैं, कुछ ऐसे बहुत से अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, पर यहाँ पे जितने दिए गए हैं आपके सिलेबस में उतने ही करेंगे और ज्यादा नहीं करेंगे। ये सभी आपको लिखना है नोटबुक में फॉर्मेट बना के, और चैप्टर का नाम लिख के, आज की डेट डाल के, 1 से लेके 20 तक। अब इसका बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क में पहला प्रश्न है, शब्द समूह किसे कहते हैं, एक उदाहरण देकर बताइए। कि शब्द समूह किसे कहते हैं उसका उदाहरण देकर हमें बताना। इसका उत्तर लिखो। उत्तर क्या है, किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को शब्द समूह कहते हैं। समूह मतलब इकट्ठा, बहुत सारे शब्द इकट्ठे होते हैं उसे समूह कहते हैं। शब्द या कोई भी चीज वस्तु इकट्ठा होना, बहुत सारी होना एक जगह ही, उसे समूह कहते हैं। कोई भी भाषा के शब्द इकट्ठे करके हम लिखेंगे, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी भाषा हो, अगर उसके शब्द हम इकट्ठे करके लिखेंगे उसे शब्द समूह कहते हैं। अब है हमारा, इसका हमें उदाहरण लिखना है। उदाहरण है, बहुत कम बरसात होना। इसका उदाहरण हम लिखेंगे, जैसे बहुत कम बरसात होना। कोई भी उदाहरण, कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो। क्लियर लिख सकते हो आप, या फिर बाद में मैं फोटो सेंड कर दूंगी आपको, उसमें से देख के लिख लेना। फिर है हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके लिए हमें एक शब्द लिखना है। पहला है, जो पढ़ा लिखा ना हो, निरक्षर। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हम शब्द यूज में लेंगे निरक्षर। नंबर 2, हिंसा करने वाला, हिंसक। नंबर 3, मांस खाने वाला, मांसाहारी। मांस खाने वाला, मांसाहारी। नंबर 4, 7 दिनों का समूह। अभी आपको समझाया था 7 दिनों का समूह क्या होता है, सप्ताह। सप्ताह।
नंबर पांच, जिनका अंत ना हो, अनंत। नंबर छह, मंदिर में पूजा करने वाला, पुजारी। नंबर सात, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। फिर है नंबर आठ, जिसमें दया हो उसे कहेंगे दयालु। प्रश्न है कंप्लीट हो गया है? ये माइक म्यूट करो, किसका ऑन है, रेडमी नोट। फिर है हमारा प्रश्न नंबर ग्यारह, सही मिलान करो। तो मिलान नहीं करेंगे हम, ओनली नंबर डालेंगे, जैसा मैं हमेशा बताती हूँ आपको। प्रश्न ग्यारह में वन टू नंबर दिए गए हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। पूजा के योग्य, काम से जी चुराना, चुराने वाला, फिर है जो पढ़ा लिखा हो, नेक्स्ट है जो सत्य बोलता हो, नगर में रहने वाला, मैम दूसरी साइड है साक्षर। नागरिक, पूजनीय, सत्यवादी, कामचोर, तो यहां हम मैच नहीं करेंगे, ओनली नंबर लगाएंगे। पूजा के योग्य यानी पूजनीय है, यहाँ पीछे आप एक नंबर लगा दोगे। फिर है काम से जी चुराने वाला, कामचोर, दो नंबर। जो पढ़ा लिखा हो, साक्षर, तीन नंबर। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। और नगर में रहने वाला, नागरिक। इस तरह से आपको ओनली नंबर ही लगाने हैं, मैच नहीं करने, क्योंकि मैच में आप बहुत गड़बड़ कर देते हो, बहुत जो सही होता है वो आपका गलत हो जाता है, इसलिए आपको ओनली नंबर ही डालने हैं, या डायरेक्ट आप आंसर लिखो, नंबर भी नहीं डालोगे। अगर किसी को लिखना है तो लिख लो। फटाफट लिखो बेटा।
और सबको सही सही ये काम करना है। अपनी बुक में जो प्रश्न है उसको नोटबुक में करोगे फॉर्मेट बना के, और ये 1 से 20 नंबर ये जो दिए गए हैं अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, ये आपको नोटबुक में करने हैं। लिख लिया? मैम मैंने नहीं लिखा। लिखो फटाफट, बुक में लिख लो एक बार, बुक में जगह है ना, बुक में लिख लो। मैम बोलो। मैम ये जो गैमे है ना वो हमें मिलान नहीं करना क्या? क्या करना है? मिलान नहीं करना क्या? लर्न करना है ना, पहले बुक में कर लो और इसको याद भी करते जाओ, अब एग्जाम आएंगे ना। ओके मैम। माइक म्यूट करो। नोटबुक्स नहीं आई है आप लोगों की, किसी की भी नोटबुक काम नहीं कर रहे हो क्या आप लोग सब? काम नहीं करते क्या? नोटबुक कोई भेज नहीं रहे हो, काम कैसे? फिर पेंडिंग हो जाएगा बहुत सारा, दोबारा नहीं करवाऊंगी मैं फिर। हो गया क्या याशिका? मेरा भी हो गया। ठीक है, फॉर्मेट बना के सभी सुंदर सुंदर राइटिंग में करोगे ये पूरे जो भी मैंने बताए थे 1 से लेके 20 तक, 20 तक, 1 to 20 सारे करने हैं। और ये बुक वर्क आपको बुक में करना है। जो इसका प्रश्न है, शब्द समूह किसे कहते हैं, एक उदाहरण सहित बताइए, तो ये आपको इसका उत्तर नोटबुक में लिखना है। ओके क्लास ओवर करें क्या? यस मैम। हो गया यशिका?